हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फूड विद हैप्पी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मेरी रेसिपी है कटहल की सब्ज़ी। इसे कैसे बनाते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कटहल जो है उसको धोकर काट कर ले लिया है। तो कटहल जब आप काटते हैं तो जो आपका चाकू है जिससे आप काट रहे हो उसमें थोड़ा सा नींबू लगा लीजिए, और हाथों में भी नींबू या तेल लगा लीजिए। तो इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। उसमें मैंने ये रिफाइंड तेल यूज़ किया है। तो ये देखिए, कटहल को मैंने छोटे छोटे पीसों में काटा है। अब ये तेल गर्म होने पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे शैलो फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। और इसे आपने थोड़ा मीडियम आंच में ही फ्राई करना है। तो देखिए, इसको अच्छे से चलाते रहना है और फ्राई करना है। तो ये दोस्तों देखिए, ये शैलो फ्राई हो चुका है, यानी कि हल्का फ्राई। अब मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल के रख दूँगी, और बाकी का जो कटा हुआ कटहल है उसे भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, इसमें थोड़ा सा मटन और चिकन जैसा स्वाद आता है। तो ये देखिए, बाकी का बचा हुआ कटहल भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। थोड़ा सा ये चिपचिपा होता है, हाथों में चिपकता रहता है, तो उसके लिए आप तेल और नींबू का रस जो है उसका यूज़ करें हाथों में। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। इसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो ये देखिए, ये अब फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे धीरे धीरे प्लेट में निकालती चलूँगी, और ये जो नीचे तेल बचेगा इसका मैं यूज़ तड़के के लिए कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारा कटहल तेल से अच्छी तरह निकाल दिया है। तेल बिल्कुल गर्म है, थोड़ी देर के लिए मैं गैस बंद कर लूँगी, और इसमें साबुत धनिया 1 टेबलस्पून डाल दूँगी, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 2 मैंने 2 बड़े प्याज काट के ले लिए थे। इन्हें मैंने लंबा लंबा काटा है, लंबा लंबा स्लाइसेस में, वो भी इसमें डाल दिया है। और इसे अच्छी तरह ब्राउन होने तक आपने पका लेना है प्याज को। पहले तेल गर्म था, अब मैं फिर से गैस ऑन कर दूंगी। तो ये देखिए, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें 6-7 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और 2-3 हरी मिर्चें
जिनको मैंने दरदरा पीस लिया था वो भी इसमें ऐड कर दी है, और इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पका लेना है, क्योंकि अभी हमारा प्याज पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुआ है, हल्का ब्राउन था, तो इस मसाले को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। अब ये देखिए मसाला हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी, नमक टेस्ट के अनुसार, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर इसमें बारीक बारीक काट लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटरों की आप प्यूरी भी तैयार कर सकते हैं, अगर टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें ऐड करते हैं तो वो जल्दी से पक जाएगी और उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। अब ये हमारा तड़का जो था वो थोड़ा ड्राई हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि टमाटर अभी सख्त हैं, इन्हें हमें पकाना है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है, इसे क्रश करके डाल लेना है दोनों हाथ से, और हींग का मैंने यूज़ नहीं किया था, अब मैं थोड़ा सा इसमें हींग भी डालूँगी। अब इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर मैं 2-3 मिनट तक टमाटरों को अच्छी तरह से पका लूँगी। ढक्कन लगाने से टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने ढक्कन खोल दिया है, तो ये टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको मैश कर दूँगी हल्के हल्के हाथों से, और ऊपर से जो कटहल है उसे मैं इसमें डाल दूँगी। कटहल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो कटहल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब थोड़ी देर में ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ढक्कन खोलकर इसे चेक कर लूँगी। और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लगभग आधे गिलास के करीब, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो गया था। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, इसको सूखा सूखा रखना है। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सूखा ही बनाया है, तो इसमें थोड़े से पानी का यूज़ करना है, ताकि जो कटहल है वो नीचे ना लगे, जले नहीं। तो 2-4 मिनट फिर से मैं ढक्कन देकर पका लूँगी। ये देखिए 2-4 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब फिर से मैं ढक्कन खोलकर सब्जी को चेक करूँगी। तो ये देखिए सब्जी हमारी लगभग पक चुकी है, तो अभी थोड़ी सी कसर है, तो हम इसे फिर से पकाएंगे। और इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी फिर से, और 1-2 मिनट बाद मैंने ढक्कन फिर से खोल दिया है। बस इसे ध्यान रखना है कि धीमी आंच में पकाना है।
अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी भी मैं जो तो फिर से ढक्कन लगाकर मैं इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और ये देखिए सब्जी ने अब तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब जो हमारी कटहल की सब्जी है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसकी यही निशानी है कि जब ये तेल छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि ये सब्जी पक चुकी है। तो ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूरी, चपाती या परांठा जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।